दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि चलती नदी और समुद्र के बीचों बीच आखिर इन बड़े और विशाल पुलों को कैसे बनाया जाता है? चाहे भूकंप हो या फिर सुनामी, किसी भी तरह की आपदा ही क्यों ना हो, लेकिन समुद्र के बीचों बीच खड़े इन बड़े और विशाल पुलों को एक खरोंच तक भी नहीं आती। ये सब कुछ हमारी इंजीनियरिंग और बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसकी बदौलत से आज ये सब कुछ करना संभव हो पाया है। आज हम जिन ब्रिजों को समुद्र के बीचों बीच खड़ा देखते हैं, इन्हें बड़ी सावधानी और सालों की मेहनत से बनाया जाता है। आखिर ये ब्रिज तो है जिनकी बदौलत से हम एक शहर से दूसरे शहर आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने कई ऐसे ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के चलते, तो कुछ अपनी आकार की वजह से, तो कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर ही पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर ही किया जाता है। एक प्रकार के पुल सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर ही किया जाता है। कोई भी पुल तब तक बाहर सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से अपनी जगह पर टिका रहता है, क्योंकि सारा वजन इन खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे पुल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी फाउंडेशन को बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो ये काम भी उतना खतरनाक और उतना ही चुनौती भरा हो जाता है। इसलिए फाउंडेशन का मजबूत होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर ही तो हैं जिनकी बदौलत पुल को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है पानी के अंदर इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, चलिए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के बीच में पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की मैक्सिमम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का वजन और पुल पर चलने वाली गाड़ियों का वजन आदि से बारीक चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों, पुल की नीम का आकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से पुल की नीम बनाई जाती है। इस नीम को कोफर डैम कहते हैं। पुल बनाने के तरीके के हिसाब से ही कोफर डैम बनाए जाते हैं। कभी ये कोफर डैम गोल होते हैं, तो कभी ये कोफर डैम चौकोर होते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि इन कोफर डैम्स को आखिर बनाया कैसा जाता है। कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे टुकड़ों को एक स्ट्रक्चर पर फिट किया जाता है, जिसमें इन्हें गोल या फिर चौकोर आकार दिया जाता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पानी में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इन पूरे कोफर डैम्स को धीरे धीरे मशीन के द्वारा पानी में डाला जाता है, ताकि इन्हें अच्छे से सेट किया जा सके। इसके बाद मोटर और पंप की मदद से इस स्ट्रक्चर के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि अंदर खाली और सूखी जगह बच जाती है, और इसके बाद इस जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। सभी इंजीनियर और वर्कर मिलकर इस जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू करते हैं। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर सड़क बनाने का काम भी किया जाता है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं, तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन दोनों खंभों को आपस में जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक दूसरी जगहों पर तैयार किए जाते हैं। पुल बनाने का आधा काम कारखाने में किया जाता है, और आधा काम नदी के बीच या फिर समुद्र के बीच जहाँ पर पुल को बनाया जा रहा है उस जगह पर। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में लाने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सीमेंट के ब्लॉक वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन्स के द्वारा इन ब्लॉक्स को उठाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप पुल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे काम में काफ़ी समय लगता है, और ये काम थोड़ा खतरनाक भी है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं, उन्हें इस काम का काफ़ी अनुभव होता है। चाहे वो वर्कर हों या फिर इंजीनियर, सभी को इस काम का काफ़ी अनुभव होता है। अगर ये पुल किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाए, तो उसका खामियाजा लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल PS Fact को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।